हेलो, नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। तो ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का सबसे पहले स्वागत है। ठीक है, तो जैसा कि हम ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल में इंग्लिश के लेक्चर डाल रहे थे दूसरे में, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो हमारे हिमाचल से बिलोंग करते थे, कुछ पंजाब से थे जो पंजाबी मीडियम से पढ़े पढ़े हैं लेकिन इंग्लिश में समझने में दिक्कत है, कुछ अपने हरियाणा से बच्चे थे या फिर यूपी से थे, बिहार से थे। उनके रेगुलरली हमें मैसेजेस आ रहे थे, सर जो आप टॉपिक है इंग्लिश की जगह हिंदी में भी करवाओ। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आए, ये सारे का सारा जो अब हम इस यूट्यूब चैनल में लेक्चर डालेंगे सारा हिंदी मीडियम होएगा, मैथमेटिक्स भी, गणित भी और आपका रीजनिंग भी, दोनों हम हिंदी मीडियम में करवाएंगे। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो एक एक करके करेंगे सारे के सारे चैप्टर्स, ठीक है, और सारे के सारे हिंदी मीडियम में करेंगे। और हर एक चैप्टर को, जैसे कि आपके कई भाई बहन होंगे जो अभी जस्ट ग्रेजुएशन करके निकले हैं या कुछ प्लस टू पास करके निकले हैं, किसी ने CHSL के बारे में सोचा है, किसी ने SSC के बारे में सोचा है, लेकिन ऑफलाइन कोचिंग ना होने की वजह से कहीं पे ज्वाइन नहीं कर पा रहे। और कई बार होता है कि ऑनलाइन कोचिंग तो जाएंगे सर, लेकिन हमें क्या दिक्कत होगी, हमें बेसिक से चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, अगर आपका कोई छोटा भाई है, बहन है जो अभी ताज़ा ताज़ा पास होके निकला है, तो यहाँ पे जितने भी चैप्टर मैं करवाऊँगा सबसे पहले बेसिक से उठाऊँगा, उसके बाद शॉर्टकट ट्रिक्स सब कुछ करेंगे उस चैप्टर के, जैसे कि HCF LCM जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, HCF को महत्तम समावर्तक और LCM को हिंदी में क्या बोलते हैं, लघुतम समावर्तक। इस टॉपिक को हम सारे का सारा हिंदी मीडियम में करेंगे और सबसे पहले मैं बेसिक करवाऊँगा। अब आप में से जिन बच्चों ने ऑलरेडी बेसिक किया हुआ है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा पेशेंस रखना खुद के ऊपर, सबसे पहले बेसिक बहुत अच्छे से समझेंगे। एक बार आपका बेसिक जैसे ही बन गया, धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल उठेगा और जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनको करने के ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा कि 5 से 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन निकाल लोगे। ठीक है, हम बेसिक तरीके से भी चलेंगे इस चैप्टर पे, बाई ऑप्शन वाले मेथड से भी चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझते हैं, ज़रा एक बार इस चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। अब सबसे पहले जो HCF है, देखो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने HCF पढ़ा होगा और हिंदी वाले बच्चों ने इस पढ़ा होगा, इसको महत्तम समावर्तक, समापवर्तक। तो LCM को बाद में समझते, पहले ये समझते ये होता क्या है। अब देखो, ये जो बच्चों HCF है ना, हिंदी मीडियम वालों ने इसको पढ़ा होगा, इंग्लिश मीडियम वालों ने, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, महत्तम समावर्तक। इंग्लिश में से छोटा करके लिख देते हैं HCF और हिंदी में महत्तम समावर्तक को म स लिख देते हैं कई जगह जब आपको HCF को बताना होता है। ठीक है, तो इस वर्ड को समझते हैं सबसे पहले, इस वर्ड का मीनिंग क्या क्या है, इसमें एक एक जो शब्द लिखा हुआ है उस शब्द का मीनिंग क्या है, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अब बच्चों जो सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है, अब फैक्टर का जो मतलब होता है बच्चों, हिंदी में फैक्टर को क्या बोलते हैं हम, गुणनखंड। ठीक है, अब गुणनखंड का मतलब क्या होता है, अगर एक नंबर दूसरे को भाग करता है, एक नंबर दूसरे को क्या करता है, भाग करता है, तो वो उसका क्या होता है, गुणनखंड। जैसे मान लो कोई नंबर 8 है, 8 को एक बात बताओ बच्चों, क्या ये 2 भाग करता है, बिल्कुल करता है, तो 2 8 का क्या है, गुणनखंड है। अब एक बात बताओ, 4 क्या 8 को भाग करता है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल करता है, तो ये भी इसका क्या, गुणनखंड। क्या 8 8 को भाग करता है, बिल्कुल करता है जी, तो 8 भी 8 का खुद का क्या है, गुणनखंड। बेसिकली उसी तरीके से जो 1 है, 1 भी 8 को भाग करता है, वो भी क्या है, गुणनखंड। ठीक है, मतलब ये सारे इसके क्या आगे, गुणनखंड आगे किसके, 8 के। ठीक है, चाहे इसको ना लो, यहां तक ही ले लो, क्योंकि ये खुद को तो भाग करेगा ही करेगा। ठीक है, 1 8 को भाग करता है तो ये इसका गुणनखंड है, 2 भी 8 को भाग करता है, गुणनखंड है, और 4 भी 8 को भाग करता है। कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं एक और, देखो ध्यान से। अब मेरे पास मान लो कोई नंबर मैंने ले लिया 36। अब देखो
दो इसको भाग करता है, बिल्कुल करता है, इसका गुणनखंड है। और कौन भाग करता है? चार इसको भाग करता है, हाँ जी भाग करता है जी। क्या छः इसको भाग करता है? हाँ जी छः भी इसको क्या करता है? भाग करता है। क्या बारह इसको भाग करता है? बिल्कुल बारह भी इसको क्या करता है? भाग करता है। और कौन भाग करता है जी? क्या अठारह इसको भाग करता है? बिल्कुल अठारह भी इसको क्या करता है? भाग करता है। तो ये सारे के सारे बेसिकली ये सारे के सारे गुणनखंड हैं। किसके गुणनखंड हैं? 36 के। ठीक है, तो गुणनखंड होता है जो फैक्टर होता है वो क्या होता है, एक नंबर अगर दूसरे को भाग करता है तो वो उसका क्या होगा? गुणनखंड। ये सारे के सारे बेसिकली अपने 36 के क्या है? गुणनखंड है। तो मुझे लगता है अब आपको गुणनखंड का मतलब तो समझ में यहाँ तक आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक एक मिनट फटाफट नोट करो, फिर इसके बाद रब करके आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कॉमन। कॉमन का मतलब तो आपको सभी को बताओ, जो दोनों में प्रेजेंट हो या तीनों में कोई चीज़ प्रेजेंट हो तो उसे हम कॉमन बोलते हैं। ठीक है, जो दोनों का आ रहा हो, जैसे मान लो एक नंबर चार है बच्चों, इसके गुणनखंड क्या बनेगा? दो बनेगा और दो बनेगा। एक लिखना लिख दो, ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिखना लिख सकते हो, क्योंकि एक भी बेसिकली इसका एक गुणनखंड होता है। तो इसके चार के गुणनखंड क्या बनेंगे? इसको कैसे तोड़ सकते हो? दो और दो और एक, तो ये सारे के सारे इसके क्या है? गुणनखंड। इसमें टूटेगा तो ये नंबर इसको भाग भी करेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ, कोई और नंबर ले लिया मैंने छः, इसके गुणनखंड कौन है बच्चों? इसके गुणनखंड कौन से हैं? दो इसका गुणनखंड है, तीन इसका गुणनखंड है, और कौन गुणनखंड है? एक। ठीक है, एक क्या है? गुणनखंड। अब देखो कौन सा इनका जो गुणनखंड है दोनों में है, देखो दो यहाँ पे भी है, दो यहाँ पे भी है, तो दो इनका क्या है? कॉमन गुणनखंड है। दो इनका क्या है? कॉमन गुणनखंड है। जो कॉमन है दोनों में वो कौन है? दो। ठीक है, या फिर ये बोल सकते हो एक कॉमन पहाड़ा जो दोनों को भाग कर दे, जैसे दो चार को भाग करता है, दो छः को भाग करता है, तो चार और छः के जो गुणनखंड बनेंगे, इसके दो और दो बनते, इसके दो और तीन बनते, तो ये एक ऐसा गुणनखंड है जो दोनों को क्या करता है? भाग करता है। तो ये क्या है इन दोनों में? कॉमन। कोई और एग्जांपल लेते हैं, मान लो 12 हो गया, 16 हो गया, 18 ले लेते हैं। अब 12 के गुणनखंड क्या बनेंगे? 2 × 3 × 2। अब 16 के गुणनखंड क्या बनेंगे? देखो 2 2 2 और 2। ठीक है, और यहां पे गुणनखंड क्या बनेंगे? इसके क्या बनेंगे? 2 × 3 × 3। 2 × 3 × 3 ये इसके क्या बने? गुणनखंड बने। ठीक है, अब कॉमन गुणनखंड देखो, दो यहाँ पे क्या कॉमन गुणनखंड है? बिल्कुल है। और भी है क्या इसके अलावा कोई कॉमन गुणनखंड? इसके अलावा कोई भी और कॉमन गुणनखंड नहीं है, क्योंकि तीन यहाँ पे है लेकिन तीन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, दो यहाँ पे है एक और, दो यहाँ पे भी लेकिन यहाँ पे एक और दो नहीं है। तो कॉमन गुणनखंड यहाँ पे जो बन रहा है मेरे पास, कितना बन रहा है? दो। इन सभी का क्या है? कॉमन गुणनखंड। ठीक है, अब कॉमन गुणनखंड का मतलब तो समझ गए होंगे, अब समझते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब हाईएस्ट कॉमन, सबसे बड़ा जो कॉमन गुणनखंड हो। अब देखो ध्यान से, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल जो उदाहरण है वो मैं चेंज करता हूँ। अब एक एक करके पहले बेसिक को समझ लो, फिर एक एक करके एचसीएफ में भी जाते हैं, फिर एलसीएम में भी जाएंगे। ध्यान से देखो, अब जैसे अगर मेरे पास नंबर होते 12, 18 और 24, चलो छोटा लेते हैं थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए, 4, 6 और 8। ठीक है, अब देखो इसके गुणनखंड क्या बनेंगे? दो और दो बने। इसके गुणनखंड क्या बने? छः के। ध्यान से देखो, दो और तीन बन रहे हैं, और आठ के गुणनखंड क्या बन रहे हैं? दो दो और दो। ठीक है, तो इन सभी में सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड कौन सा है जी? जैसे दो इन सभी में सबसे बड़ा कॉमन क्या है? गुणनखंड। इसके अलावा कुछ भी इन तीनों में कॉमन नहीं है। अब एचसीएफ को ध्यान कैसे रखना है?
अगर HCF होता है सबसे बड़ा गुणनखंड, तो सबसे बड़ा नंबर भी होगा जो इन सभी को भाग करेगा। अगर HCF सबसे बड़ा गुणनखंड है तो HCF सबसे बड़ा नंबर भी हो जो इनको भाग करेगा। तो HCF की डेफिनेशन एक लिख लो जरा सा, क्या लिखोगे ताकि आपको ध्यान रहे। HCF क्या होता है? सबसे बड़ा नंबर, लिखो जरा, सबसे बड़ा नंबर या सबसे बड़ी संख्या जो जितने भी दी गई संख्याएं हैं, जितनी भी दी गई संख्याएं हैं उन सभी को भाग कर दे, उन सभी को भाग कर दे। ठीक है, HCF कैसे याद रखना है आपने? HCF मतलब जो आपका महत्तम समावर्तक था उसको कैसे ध्यान में रखना है, क्या होता है महत्तम समावर्तक, समापवर्तक। ठीक है, तो जो मो से स से डिनोट करते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो ये क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या, जितनी भी दी गई संख्याएं सभी को क्या कर दे? भाग कर दे। देखो, 4, 6 और 8 को, तीनों को भाग करने वाली सबसे बड़ी जो संख्या है वो कौन सी है? 2 है। 4, 6, 8 तीनों को भाग करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 2। तो 2 इनका क्या है? महत्तम समावर्तक, जिसे हम HCF बोलते हैं। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखो। 10, 15 और 20, हमने ये देखना सबसे बड़ी संख्या जो तीनों को भाग कर दे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? 5 सबसे बड़ी संख्या है जो 10 को भी भाग कर देती है, 15 को भी भाग कर देती है और 20 को भी क्या कर देती है? भाग कर देती है। ठीक है, तो ये जो 5 है इनका क्या बना? महत्तम समावर्तक, मस। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? HCF। ठीक है, अब इसी तरीके से अपने पास मान लो और नंबर होते हैं 12, 24, 36। ठीक है, तो हमें यह देखना है सबसे बड़ी संख्या जो इन तीनों को भाग कर दे। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है? 12 सबसे बड़ी संख्या जो तीनों को भाग करती है, भाग करने को तीनों को 6 भी कर रहा है, भाग करने को तीनों को 4 भी करेगा, भाग करने को तीनों को 3 भी करेगा और 2 भी करेगा, लेकिन सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जी? 12 सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, तो HCF को ही ध्यान रखो। HCF क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या, जितनी भी दी गई संख्या है उन सभी को भाग कर दे, उसको क्या बोलते हैं हम? HCF। मतलब यहाँ तक आ जाते हैं हम, बड़े हो जाते हैं, लेकिन हमें HCF का एक्चुअल में मतलब पता नहीं होता। तो मुझे लगता है आज मैक्सिमम बच्चों को पता चल गया होगा कि HCF क्या होता है। सबसे बड़ी संख्या, जितनी भी दी हुई संख्या है उन सभी को क्या कर दे? भाग कर दे। ठीक है, बस इतनी सी चीज़ HCF होती है। ठीक है, अब HCF निकालने के लिए बच्चों हमारे पास कई तरीके हैं। ठीक है, तो यहाँ तक एक मिनट जरा फटाफट नोट कर लो, फिर आगे मैं आप लोगों को समझाता हूँ। बच्चों करो जरा नोट, यहाँ तक नोट कर लो जरा, शाबाश। चलो, यहाँ तक नोट कर लिया सभी ने? चलिए, बोर्ड तो क्लियरली दिख रहा है ना सभी को? चलिए, ठीक है। अब देखो, HCF फाइंड करने के लिए कई तरीके हैं, कई तरीके हैं। मैं सारे तरीके करवाऊंगा, और मैंने पहले ही बोला था हम सारा चैप्टर किससे करेंगे? बेसिक से। ठीक है, पहला तरीका HCF फाइंड करने का, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, वालों मीडियम वालों ने याद रखना है, फैक्टराइजेशन मेथड। जो भी फैक्टराइजेशन करके आए हैं, अब कई बच्चों को फैक्टर करने का डायरेक्टली पता नहीं चलता, और हिंदी में से बोलेंगे गुणनखंडन विधि, गुणनखंड विधि। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड या फिर बोलेंगे गुणनखंड विधि। अब जैसे मुझे 4
छः और आठ का निकालना है एचसीएफ। तो मैं क्या देखूंगा, एचसीएफ जब भी निकालना, देखो जिस तरीके से आप लोग एलसीएम फाइंड करते थे तो उसी तरीके से महत्व समावर्तक देखना है, निकालना है। ये देखना है कि सबसे पहले वहाँ पे हम देखते हैं कि कम से कम दो संख्याएं किसी एक पहाड़े में भाग होती हैं, लेकिन यहाँ पे देखना है सबसे छोटा पहाड़ा जिससे तीनों की तीनों संख्याएं भाग हो जाएं, दो ना हो एक हो, तीनों के तीनों हो जाएं, तो सबसे छोटा पहाड़ा कौन सा है बच्चों? दो। तो दो से ये भी भाग हो जाता है, ठीक है, दो से ये भी भाग हो जाता है, दो से ये भी भाग हो जाता है, ठीक है। अब देखो क्या कोई ऐसी संख्या है जो इन तीनों को भाग करती है? अब ये देखो क्या कोई ऐसी संख्या है जो इन तीनों को भाग करती है? नहीं पता। अगर नहीं पता तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों? क्योंकि अब कोई नंबर ही नहीं है जो इन तीनों को भाग करता हो, भाग करोगे पॉइंट्स में आएगा, पॉइंट्स में नहीं आना चाहिए, तो ये इनका क्या बन जाएगा? महत्व समावर्तक, ठीक है। जैसे हमने एक और एग्जांपल समझा था 12, 24 और 36, ठीक है, क्या समझा था? 12, 24 और 36। अब इनका देखना, सबसे पहले सबसे छोटे से स्टार्ट करना है जी, सबसे छोटा टेबल जिसमें तीनों नंबर भाग होते हों, दो से जैसे भाग कर देते 6 बनता, यहाँ पे भाग कर देते 12, यहाँ पे 18। अब फिर सबसे छोटी संख्या जिसमें कम से कम दो भाग हो, तीनों भाग होते हों, सॉरी, दो से भाग कर दोगे ये 3 बना, ये 4 बना, और ये कितना बना दो से भाग करने पे? ये 6 बना और ये कितना बना ना? अब देखो सबसे छोटी संख्या जिसमें कम तीनों भाग होते हों, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या बना? 3। अब क्या कोई ऐसी संख्या है जिसमें तीनों भाग होती हों? कोई भी संख्या नहीं है, सिर्फ किसको छोड़ के? 1। तो 1 भी आपका हमेशा एचसीएफ के फैक्टर में प्रेजेंट होता है, 1 से भाग करोगे तो हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। लेकिन लेकिन यहीं पे आपने स्टॉप कर देना, अंडरस्टूड है कि 1 तो होगा ही होगा, तो इसके जो गुणनखंड बने वो कौन कौन से बने? 2, 2 और क्या बन गया? 3। तो ये अपने पास कितना आ गया? 12, ठीक है। मैं बेसिक से करवा रहा हूँ, एक एक चीज़ करेंगे जी, मज़े मज़े से, बस जल्दबाजी मत करना। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि भाई सर बेसिक ज़्यादा हो गया, लेकिन देखो बेटा बेसिक तो समझना पड़ेगा ना, जब तक ABCD ढंग से नहीं आ जाती तो XYZ तक कहाँ पे जाओगे। और एक और चीज़ जो चीज़ समझ के चलो, आज की डेट में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है ना, चाहे आप SSC की बात करो, चाहे बैंक की बात करो, चाहे रेलवे की बात करो, ठीक है, नो डाउट ट्रिक्स बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं प्रिलिम में। अगर आप SSC का Tier 2 दोगे वहाँ पे शॉर्टकट लगने वाले क्वेश्चन कम आते हैं, आज की डेट में बेसिक के ऊपर ज़्यादा आते हैं। बेसिक जिस बच्चे को आता होगा वो पेपर में जाके नहीं रुकेगा, ठीक है। अगर बैंक के पेपर की बात करें, अगर मेंस के पेपर की बात करें, जिस बच्चे का मैथ का बेसिक अच्छा है ना, वो बच्चा मेंस में मार नहीं खाता। लेकिन जिस बच्चे ने सिर्फ शॉर्टकट पे ही ध्यान दिया, बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग ही नहीं किया, उसको मेंस में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है बैंक के पेपर में और SSC मेंस में जाके। और रेलवे ने भी जो लास्ट ईयर आपके पास जितने भी पेपर कंडक्ट किए थे, चाहे हम बात करते हैं रेलवे के JEE के पेपर की, उसमें अगर आपने पेपर देखा हो तो मैथ में कई क्वेश्चन ऐसे थे, खासकर टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन, जिसकी कैलकुलेशन बहुत ख़तरनाक थी, ठीक है। तो बोलने का मेरा मतलब ये है कि आज की डेट में हमें बिल्कुल लाइटली नहीं लेकर चलना है। नो डाउट अभी देखो कि आपको पता होगा RRB NTPC का पेपर पिछले साल का निकला है, लेकिन हमें उम्मीद तो है होगा ही सही, कुछ वैकेंसीज कम होके होनी है, लेकिन होनी ज़रूर है, ठीक है। तो अपनी तैयारी रखो और बेसिक बहुत अच्छे कर लो किसी भी चैप्टर के। और मेरा खुद का जो इतने साल का एक्सपीरियंस ये बोलता है, मुझे 9 साल हो चुके इस फील्ड में, तो मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है आज तक, जिस बच्चे का मैथ का बेसिक ठीक है ना, वो बच्चा मैथ में कहीं भी मार नहीं खाता। शॉर्टकट ट्रिक सब कुछ कर लोगे, पेपर में जब जाके बेटा बैठते हो ना, तो सिर्फ बेसिक ही चलता है पेन में, शॉर्टकट याद भी नहीं आते हैं कई बार। इसीलिए बेसिक बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो बेटा, जहाँ पे शॉर्टकट लगने होंगे करेंगे। इतनी सी कहानी समझ में आ गई? तो फैक्टराइजेशन मेथड मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चाहे एक आध मैं आप लोगों को देता हूँ, इसके मुझे फैक्टर्स निकाल के चाहे कमेंट बॉक्स में जरा टाइप करो, मैं एक आध आप लोगों को नंबर देता हूँ करने के लिए। ठीक है, चौबीस, 28 और 44, इनके बना के बताओ जरा बच्चों।
इसके बना के फटाफट SCF लिखो जरा आपके पास उसमें कमेंट बॉक्स में। देखो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या जिससे तीनों भाग होती है वो कौन सी है? दो। अब फिर सबसे छोटी संख्या जिससे तीनों भाग होती है फिर दो है। अब कोई ऐसी छोटी संख्या जिसमें तीनों भाग होती हो कोई भी नहीं है, तो हमें सामने दिख रहा है 2 × 2। बच्चों ये अपने पास चार क्या बन गया? SCF। ठीक है, अब इस वाले मेथड का तभी यूज कर सकते हो जब नंबर्स क्या हों? छोटे। लेकिन जब छोटे नंबर्स हों तो उसके लिए तो बच्चों हमें इसका भी यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। मैं बता देता हूँ आपको फटाफट छोटे नंबर के केस में SCF कैसे देखना है और बड़े नंबर के लिए किस मेथड का यूज़ करना है वो भी, किस विधि का यूज़ करना है वो भी मैं बताऊँगा। ध्यान से देखो, अब एग्जाम्पल किया था जैसे मैंने एक लिया था आपका 8, 6, चलो यही लेते हैं 12 ले लेते हैं, 8, 6 और 12। ठीक है, हमें इन तीनों का मान लो महत्तम समावर्तक निकालना है। तो देखो अब हमें पता है कि SCF सबसे बड़ी संख्या होती है जो तीनों नंबर को क्या करती है? भाग। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो SCF होगा कभी भी इस सबसे छोटे नंबर से बड़ा नहीं होगा। अगर इससे बड़ा हो गया तो इसको पूरे का पूरा भाग नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? SCF क्या होता है, क्या लिखवाई थी आपको कि सबसे बड़ा नंबर जितनी भी दी गई संख्या है उन सभी को भाग कर देता है। तो SCF जो होगा या तो सबसे बड़े नंबर के बराबर होगा या फिर उससे छोटा होगा, सबसे छोटे नंबर के बराबर या फिर उससे छोटा होगा, उससे बड़ा नहीं होगा। उससे बड़ा होगा तो इनको भाग करेगा लेकिन इसको भाग नहीं करेगा। ठीक है, तो या तो HCF ये खुद होगा या इसका कोई गुणनखंड होगा। ध्यान से देखो जरा इस चीज को समझना, HCF या तो ये खुद होगा या इसका कोई गुणनखंड होगा, मतलब इसका कोई क्या होगा? फैक्टर। अगर इसके फैक्टर की बात करें, देखो सबसे पहले देखो क्या 8, 6 और 12 को भाग करता है? एक बात बताओ कि 8, 6 और 8, 12 को भाग करता है? नहीं करता। तो 8 के फैक्टर क्या होंगे? सबसे बड़ा फैक्टर देखो सबसे पहले 4 होता है एक, तो क्या 4, 6 और 12 दोनों को भाग करता है? नहीं करता। 12 को भाग करता है लेकिन 6 को पूरा भाग नहीं करता, क्योंकि 6 को भाग करने पे 1.5 बना, 1.5 आया, तो पूरा भाग नहीं कर रहा। तो इसका और कौन सा गुणनखंड होगा? 2। तो 2 देखो आपके पास क्या 6 को भाग करता है? 2 आपका क्या 12 को भाग करता है? बिल्कुल भाग करता है जी। तो 2 इनका क्या बन जाएगा? महत्व समावर्तक। ठीक है, अभी जैसे एक किया था हमने 24, 28 और 44। ठीक है, तो हमें पता है SCF या तो इसके बराबर होगा या फिर इससे छोटा होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता। देखो क्या 24 से 28 और 44 क्या दोनों भाग होते हैं? आप बोलोगे नहीं सर नहीं होते। तो 24 के सबसे गुणनखंड देखो, एक तो गुणनखंड सबसे बड़े से स्टार्ट करना हमेशा, कौन होता? 12। 12 से देखो क्या 28 और 44 दोनों भाग होते हैं? नहीं होते जी। और कौन इसका गुणनखंड होता है जी? 8 होता है। क्या 8 से देखो दोनों भाग होते हैं? नहीं होते हैं। आप बोलोगे सर क्या 6 होता है? ठीक है, तो 6 से देखो क्या दोनों भाग होते हैं? नहीं होते जी। सर इसके अलावा कौन सा होता बताओ आप लोग? 4 होता है जी। क्या 4 से 28 और 44 दोनों भाग होते हैं? बिल्कुल भाग होते हैं। तो 4 इन दोनों का क्या बन जाएगा? महत्व समावर्तक। ठीक है, चलो जैसे ये है, अब इसका मुझे महत्तम समावर्तक निकालना है। तो मुझे पता है जो महत्तम समावर्तक सबसे छोटे नंबर के बराबर होगा या फिर वो खुद होगा या फिर उससे छोटा होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता। 12 से देखो क्या ये दोनों नंबर भाग हो जाते हैं? आप बोलोगे जी सर भाग हो जाते हैं। तो ये इनका भाग हो जाता तो डायरेक्टली ये क्या आ गया? इनका महत्तम समावर्तक।
ठीक है। तो अगर छोटे नंबर होंगे ना तो आपने कोई मेथड नहीं लगाना, दिमाग में डायरेक्टली देखो आठ से क्या ये दोनों भाग होते हैं, नहीं होते सर। तो फिर क्या देखेंगे, आठ किस टेबल में आता है, चार के टेबल में आता है, चार से क्या भाग होते हैं, नहीं होते सर। क्या दो के भाड़े में आता, बिल्कुल आता, दो से भाग हो जाते हैं। तो आ गया जी महत्व समापवर्तक। इन तीनों में सबसे छोटा कौन है, 24। 24 से देखो क्या ये दोनों भाग होते हैं, बिल्कुल भाग नहीं होते जी। अब 24 किस किस पहाड़े में आता है, आठ के पहाड़े में आता, आठ से भाग नहीं होते, डायरेक्टली हमें दिख रहा है छः के पहाड़े में आता, छः से भी ये भाग नहीं होते, चार से भाग हो जाते हैं, तो चार इनका क्या बन जाएगा, महत्व समावर्तक। इन तीनों में सबसे छोटा 12 था, 12 से दोनों भाग हो रहे हैं तो वो महत्व समावर्तक बन गया। सिंपल सा काम है, ठीक है। तो ये आ गया HCF, आपने इस तरीके से फाइंड करना है जब नंबर क्या हो, छोटे हो, ठीक है। मैं मेथड हर कोई आपको कर लिखवाऊंगा, लेकिन आपने अगर छोटे नंबर होंगे तो इस तरीके से चलना है, सबसे छोटे नंबर को पकड़ना है, तो महत्व समावर्तक या तो सबसे छोटे नंबर के बराबर होगा या फिर उससे छोटा होगा, उससे बड़ा नहीं होगा जी, ठीक है। अब अगला जो मेथड मैं आपको करवाने जा रहा हूं ना, वो है भाग विधि, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन मेथड। हिंदी में बोलते हैं भाग विधि, ठीक है। अब ये कहाँ पे काम आता है, जैसे दोस्तों अब आप लोगों को मैं बोलूँ, कई बार पेपर में ऐसे आ जाता है जी, मान लो ये दो नंबर हैं, ठीक है, कई बार आपका सॉल्व करते करते ये वाली कंडीशन बनी है। अब इसको हमने इसके सबसे छोटे प्रारूप में लेकर आना है, मतलब उस स्टेज में लेकर आना है जिसके बाद ये किसी सेम पहाड़े में भाग नहीं होते, वहाँ तक लेके आना है। तो एक बात बताओ दोस्तों, क्या आपको देखते यहाँ पे पता चल रहा है कि ये दोनों नंबर किस पहाड़े में जाते हैं, हाँ जी, क्या इन दोनों को देखने के बाद क्या आपको पता चल रहा है दोनों किस पहाड़े में जाते हैं? आप बोलोगे नहीं पता चल रहा सर। अगर पता नहीं चल रहा तो ये तो ऑप्शन में था ही नहीं, ऑप्शन में अलग अलग नंबर दिए थे, 11/15 गिवन था, 12/17 गिवन था, 15/16 गिवन था, इस तरीके से नंबर दिए थे, और साथ में नन ऑफ दीज भी दे दिया था, ठीक है, ये तो ऑप्शन में था ही नहीं। मतलब जब तक हमें पता नहीं चलेगा इस किस कॉमन टेबल में जाते हैं तब तक हम नहीं कर सकते। जैसे आपको 4/12 पता होता, 4/12 नंबर, अगर मैं बोलता सबसे निम्न भिन्न में इसको लेकर आओ, सबसे निम्न सबसे छोटे भिन्न में इसको लेकर आओ, तो आप इस भिन्न को क्या करते, चार के पहाड़े में दोनों जाते हैं, चार से इसको भी भाग कर देता, इसको भी भाग कर देता, तो 1/3 आ जाता, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये दोनों किस पहाड़े में जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा किस पहाड़े में जाते हैं, तो इस चीज़ से बचने के लिए, इस काम को करने के लिए कि कौन सा पहाड़ा है जिसमें ये दोनों जाएंगे, उसके लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं दोस्तों, डिवीज़न मेथड का, भाग विधि का, ठीक है। और खासकर ये वाली चीज़ आपकी कहाँ पे काम में आती है, सिंप्लीफिकेशन में काम में आएगी, और दूसरी चीज़ अल्जेब्रा में ये वाली चीज़ काम में आएगी। आप लोग करोगे जाके आगे कंपाउंड इंटरेस्ट, जब बड़ी बड़ी ऊपर भी बड़ी चीज़ें नीचे भी बड़ी चीज़ें, उनको निम्न फ्रैक्शन में लेकर आना, सबसे छोटे भिन्न में लेकर आना है, तो उस केस में भी आप लोगों को इस मेथड की ज़रूरत पड़ेगी। HCF के ऊपर डायरेक्टली कभी नहीं बोलेगा एग्जामिनर HCF फाइंड करो, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें ना आगे सारे जितने भी आपके चैप्टर्स आने हैं वहाँ पे यूज़ होनी है जी, एक एक करके। इसीलिए बेसिक बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो, मैथ खुद आना स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान से देखो, अब आपको पता नहीं चल रहा भाई कि अब 444/629 क्या बनेगा, ठीक है। तो भाग विधि में क्या करते हैं, देखो सबसे पहले इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों वालों को समझाता हूँ। देखो जब हम किसी को डिवाइड कर रहे होते हैं, यहाँ पे जो होता है ना इसको बोलते हैं हम डिविडेंड, जो इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। और हिंदी मीडियम वालों थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा ध्यान दो, ताकि कई बार होता है कि छोटी चीज़ें हिंदी में इंग्लिश में समझनी आसान हो जाती हैं, ठीक है। और डिविडेंड को आप लोग भाज्य बोलते हैं,
ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है आपका डिवाइजर, ठीक है, डिवाइजर इंग्लिश में बोला जाता है और हिंदी में उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, भाजक, ठीक है। और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले जो होते हैं यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, जिसे हम कोशेंट बोलते हैं, ठीक है। अब हिंदी मीडियम वालों ने क्या पढ़ा होगा आपके पास, भागफल, ठीक है। और नीचे जो आता है इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, शेषफल, ठीक है, इंग्लिश में सॉरी रिमाइंडर बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, शेषफल, ठीक है। जो भाग कर रहा होता है उसको बोला जाता है भाजक, जो भाग हो रहा होता है उसे बोलते हैं भाज्य, जो यहाँ पे आता है उसको बोलते हैं भागफल, और नीचे क्या होता है, शेषफल, ठीक है। और इंग्लिश में जो भाग कर रहा है उसको बोल देते हैं डिवाइजर, जो भाग हो रहा है मान लो वो कोई नंबर है n, और यहाँ पे कोशेंट को q से डिनोट कर देते हैं, रिमाइंडर को r से। तो हिंदी मीडियम वाले भी एटलीस्ट इतना सा थोड़ा सा ध्यान रख लो, जो भाजक होता है वो उसको बोलते हैं डिवाइजर, जो भाज्य होता है उसको बोलते हैं डिविडेंड, जो आपके पास क्वेश्चन होता है उसको भागफल बोलते हैं, ठीक है। इतनी सी कहानी तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इतना सा फटाफट यहाँ तक एक बार जरा नोट कर लो, ठीक है। और एक और चीज़, जिस भी बच्चे को लग रहा है कि सर सच में बेसिक समझ में आ रहा और बेसिक क्लियर हो रहे हैं, तो फटाफट जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं वहाँ पर इस वीडियो को भेजो, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट जुड़ पाएँ। जितने ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे उतनी हमें मोटिवेशन मिलेंगे, उतने अच्छे हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो इसे यहाँ पे फटाफट नोट करो, भाग विधि को समझते हैं, फिर करिएगा ज़रा नोट, पानी पी लूँ। चलो देखो, अब जब भी हमने भाग विधि का यूज करना है ना, तो भाग विधि के यूज करने के किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं, उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ नंबर लिखवाता हूं, ठीक है। जैसे चलो ऐसा करते हैं, पहले के नहीं दो नंबर का फाइंड करते हैं, इसको रहने देते हैं, ठीक है। वैसे तीन का भी आ जाता है, चार का भी आ जाता है, लेकिन दो नंबर का देखते हैं। ये वैसे छोटा नंबर है, सामने पता चल रहा है जी, ये 12 के टेबल में जाते हैं, ठीक है, और भी जाते हैं मेरे ख्याल से 24 के टेबल में, हाँ 24 के टेबल में जाते हैं, सामने दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर भाग विधि से जानो, छोटा नंबर पहले लेते हैं, फिर एक एक करके फिर बड़े नंबर पर आएंगे, जो हमने एग्जाम्पल लिया था पीछे, ध्यान से देखो। क्या करना है कि जब भी दो नंबर को, ध्यान से देखो, भाग विधि से एचसीएफ निकालना हो, उसको सिंपल करना हो, तो क्या करना है, सबसे बड़े नंबर को लेना है भाज्य, जो दोनों में से बड़ा कौन सा है, जैसे 96 है, इस 96 को क्या लेंगे, भाज्य, मतलब यहाँ पे 96 को लिख देंगे, और इसको क्या लेना आपके पास, भाजक, भाजक मतलब आपका डिवाइजर, ठीक है। और जैसे यहाँ पे हम करते 72 एकम 72, ठीक है, तो यहाँ पे देखो बचेगा कितना, पीछे शेषफल कितना बच रहा है, 24, ठीक है। और देखो 72 एकम 72 बना, शेषफल कितना बना, 24। अब देखो जब तक रिमाइंडर या शेषफल जो था आपका वो जीरो ना आ जाए, जब तक शेषफल जीरो ना आए, तब तक क्या करेंगे, जो भी शेषफल आ रहा है ये अगले स्टेप के लिए बन जाएगा आपका भाजक, और पिछले स्टेप का जो भी भाजक था अगले स्टेप के लिए बन जाएगा भाज्य। दोबारा बात को समझो, जो भी ये शेषफल है ये अगले स्टेप के लिए बन जाएगा भाजक, और पिछले का जो भी भाजक था वो अगले स्टेप के लिए क्या बन गया, भाज्य, मतलब जो भी रिमाइंडर था ये अगले स्टेप के लिए बन गया डिवाइजर, और जो लास्ट स्टेप का जो भी डिवाइजर था नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या बन गया, डिविडेंड। अब देखो 24 2 कितना बन जाएगा, 3 कितना बन जाएगा, 24 3 कितना बनेगा, 72 बन जाएगा। तो देखो ध्यान से शेषफल कितना आ रहा है यहाँ पे, 0,
और लास्ट में जहां पे भी जाके शेषफल बच्चों जीरो आएगा, दोस्तों जीरो आएगा, उस स्टेप का जो भी भाजक होगा, जो भी क्या होगा भाजक, उस स्टेप का जो भी भाजक होगा वो उन दोनों नंबर का बनेगा महत्व समावर्तक, मतलब क्या बनेगा HCF बनेगा। ध्यान से समझो जरा इस चीज को, ठीक है, कि क्या किया, सबसे बड़े नंबर को लिया डिविडेंड और सेकंड हाईएस्ट को लिया डिवाइजर, मतलब डिविडेंड मतलब आपके पास भाज्य और इसको क्या लिया भाजक लिया, ठीक है। और 72 एकम 72, तो यहाँ पे कितना बचा शेषफल 24। जब तक शेषफल जीरो ना आए तो ये जो शेषफल ही अगले स्टेप के लिए बन जाएगा भाजक, और पिछले स्टेप का जो भी भाजक था अगले स्टेप के लिए क्या बन जाएगा भाज्य। तो 24 3 72, तो कितना बचा पीछे शेषफल जीरो, शेषफल जीरो आया, तो हमें जिस भी स्टेप में जाके लास्ट में शेषफल जीरो आ रहा होगा उस स्टेप का जो भी आपके पास क्या होगा भाजक होगा वो उन दोनों नंबर का क्या होगा HCF, ठीक है। तो होपफुली ये वाली चीज़ तो आप सभी को समझ में आ गई हो, ठीक है, होपफुली आ गई हो। तो अब पिछला क्वेश्चन करते हैं, ये तो ईजी था, डायरेक्टली हमें दिख रहा था कि 24 के टेबल में जाते हैं, इसका डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते थे, बस मेथड आपको समझाना था कि भाग विधि लगानी कैसे। फटाफट नोट करो जरा, देखो दोस्तों जरा एक एग्जांपल जो पिछला मैंने बताया था उसी को थोड़ा भाजक मेथड से करते हैं, क्योंकि भाग विधि से करते हैं, क्योंकि ऐसे तो हमें पता है कि डायरेक्टली हमें पता नहीं चलना है किस पहाड़े में दोनों जा रहे हैं। तो सबसे बड़े को क्या लेना है बताओ जरा मेरे साथ साथ में बोलो, क्या लेना है सबसे बड़े को यहाँ पे लेना है और छोटे वाले को यहाँ पे लेना है। अब ऐसा मत कर देना बड़े वाले को, छोटे वाले को अंदर ले लिया, बड़े वाले से भाग करना स्टार्ट कर दिया ना, बड़े वाले को अंदर लेना है। तो 444 एकम 444 बना, तो यहाँ पे जो शेषफल बचा कितना बचा 185 बचा। अब जब तक शेषफल जीरो ना आए क्या करेंगे, जो शेषफल आ रहा अगले स्टेप के लिए बनेगा भाजक, और पिछले स्टेप का जो भी भाजक था अगले स्टेप के लिए क्या बन जाएगा भाज्य बन जाएगा। तो देखो 185 को जब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, गुणा कर दोगे, तो ये अपने पास कितना बन रहा है 370 बन रहा है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से अपने पास कितना बचा 74 बचा, ठीक है। अब जब तक शेषफल जीरो ना आए क्या करेंगे, ये अगले स्टेप के लिए बन जाएगा फिर वही बात क्या बन जाएगा भाजक, और जो पिछले स्टेप का जो भी भाजक था अगले स्टेप के लिए यहाँ पर बन जाएगा, मतलब ये यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। अब 74 दुने कितना होता है 148 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा 37 बचेगा। अब जो भी ये 37 आया है ये अगले स्टेप के लिए बनेगा भाजक, और पिछले स्टेप का जो भी भाजक था अगले स्टेप के लिए भाज्य बन जाएगा। तो 37 दुने कितना होता है 74 होता है। तो ध्यान से देखो शेषफल कितना आ गया जीरो आ गया, ठीक है। और जहाँ पे भी लास्ट में जाके शेषफल जीरो आएगा तो आपके पास उस स्टेप का जो भाजक होगा वो उन दोनों का क्या बनेगा HCF बनेगा, या फिर बोलेंगे हम महत्व समावर्तक बनेगा जी, ठीक है। मतलब 37 सबसे बड़ा एक ऐसा नंबर था जो दोनों को क्या करता भाग, मतलब अगर ऐसे आ रहा है तो मैं 37 से दोनों को भाग कर देता, ऊपर भी 37 से भाग करता नीचे भी, तो ऊपर मेरे पास 12 आ जाता और मेरा नीचे कितना आ जाता 17। तो ये जो भिन्न है ये किसके बराबर होता 12/17। मतलब जब तक आपको ये चीज़ पता ना हो किस टेबल में भाग होता है तब तक आप लोग उसको भाग नहीं कर पाओगे। तो बड़े नंबर के केस में हमें भाग विधि का यूज़ करना है, थोड़ा बड़ा लगेगा सॉल्व करने में, लेकिन देखो जब प्रैक्टिस हो जाती है ना तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें शॉर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन सारी चीज़ें डिपेंड करती है प्रैक्टिस पे, आपने कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कितनी करी है या मेथड की प्रैक्टिस कितनी करी है जी, ठीक है। चलो यहाँ तक नोट कर लो ज़रा फटाफट, फिर अगला एग्जाम्पल लिखवाता हूँ, ठीक है। अब ये 2 का आ गया, अब आप बोलोगे सर अगर 3 नंबर होते फिर क्या करते, 3 का भी करते हैं जी, इसे रब कर दें, देखो 3 का भी करते हैं। तो 3 वाले में नंबर लिखिएगा बच्चों 344, ठीक है, और साथ में लिखो 1032 नंबर लिखो बच्चों, और
एक और नंबर लिखो, 1806, 344, 1032, 1806। इन तीनों का हमें निकालना है HCF, ठीक है। इन तीनों का निकालना है HCF, ठीक है। अब क्या करेंगे आपके दिमाग में आ रहा होगा, दो था तो सर कर लिया, तीन में क्या करेंगे। तीन में देखो क्या करना है, किसी दो को उठाना है बच्चों, किसी भी दो को उठा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आसान करने के लिए हम सबसे पहले सबसे बड़े और उसके बाद उससे छोटे नंबर को उठाएंगे। इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, इसको बाद में देखते हैं, जिसको पेंडिंग में रखते हैं। सबसे बड़े और उससे छोटे नंबर को उठाते हैं, और सबसे बड़े नंबर को लेंगे एज अ भाजक, और जो उससे छोटा है उसको क्या लेंगे, इसको भाज्य ले लिया और इसको क्या लेंगे, भाजक, मतलब इसको अंदर लिख दिया और इसको कहाँ लिख दिया, बाहर लिख दिया, ठीक है। अब स्टेप वही है, 1032 एकम 1032, ठीक है। यहाँ पे चार बचेगा, यहाँ पे सात बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, सात, ठीक है। अब फिर जब तक जीरो ना आए शेषफल, क्या करेंगे, ये अगले स्टेप के लिए बन जाएगा डिवाइजर, और जो लास्ट स्टेप का जो भी डिवाइजर था नेक्स्ट स्टेप के लिए बन जाएगा डिविडेंड, ठीक है। तो ध्यान से देखो, 774 एकम 774, ठीक है। 12 से 8 जाता है तो कितना बचेगा जी, 12 से 4 जाता 8 बचेगा, और यहाँ पे 12 से 7 गया कितना बचा 5, और यहाँ पे 2 258 बना। अब फिर रिमाइंडर जीरो नहीं आया, मतलब शेषफल जीरो नहीं आया, क्या करोगे, ये अगले स्टेप के लिए क्या बन जाएगा, भाजक, और ये अगले स्टेप के लिए क्या बन जाएगा, भाज्य, जिसको भाग करना है हमने, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास, ये देखो 258 थ्रीजा, ध्यान से देखो 258 थ्रीजा करते हैं तो आपके पास बनता है, अगर तीन से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास बन जाएगा 32, 15, और ये बन जाएगा 24, ये बन जाएगा 17, और ये 6 और 1 7, ठीक है। तो यहाँ पे देखो शेषफल कितना आ रहा है, जीरो, ठीक है। यहाँ पे शेषफल कितना आया, जीरो, और जहाँ पे लास्ट में जाके शेषफल जीरो आता है, उस टाइप का जो भी भाजक होता है वो उन दोनों का नंबर का क्या होता है, HCF। तो मतलब इन दोनों नंबर का अगर हमें HCF फाइंड करना होता तो अपने पास कितना आ चुका होता, 258। लेकिन HCF हमें दो नंबर का नहीं फाइंड करना, कितने नंबर का फाइंड करना है दोस्तों, तीन नंबर का। तो हम क्या करेंगे, जो भी इन दोनों का HCF आया है ना, उससे तीसरा नंबर जो बच गया है उसको सेम प्रोसेस में डिवाइड करेंगे जब तक रिमाइंडर क्या ना आए, जीरो। तो 344 को हम किससे भाग देंगे जी, 258 से, 258 से भाग देंगे। देखो तो जब 258 कम 258, ठीक है, तो यहाँ पे 6 बचा दोस्तों, यहाँ पे कितना बचा दोस्तों, 8, और यहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं बचा, कितना बचा, 86। फिर ये अगले स्टेप के लिए बन जाएगा भाजक, और ये अगले स्टेप के लिए क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक तो कहानी समझ में आ रही होगी। अगर मैं इसको तीन से गुना कर देता हूँ तो देखो आपके पास क्या, 258 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, 6 3 18, 8 3 24 प्लस 1 25, तो शेषफल कितना बचा, जीरो। तो जहाँ पे भी जाके लास्ट में शेषफल जीरो आएगा दोस्तों ना, उस टाइप का जो भी भाजक होगा वो उन दो तीनों का क्या बन जाएगा, HCF। तो ये जो 86 है, ये HCF या महत्व समावर्तक जो बन रहा है वो तीनों नंबर का बन रहा है। ध्यान से समझो क्या किया हमने, सबसे पहले सबसे बड़े नंबर को डिवाइड करना स्टार्ट किया सेकेंड हाइएस्ट से, तब तक भाग करते गए जब तक शेषफल क्या ना आए, जीरो। इसको लिया आपका एज ए भाज्य, और इसको क्या लिया, भाजक, और तब तक भाग करते गए जब तक शेषफल क्या ना आए, जीरो। जहाँ पे लास्ट में जाके शेषफल जीरो आ रहा, उस टाइप का जो भी भाजक है वो क्या बना, इन दोनों नंबर का HCF। अब जो भी इन दोनों का HCF आया था, इससे तीसरे वाले नंबर को सेम प्रोसेस में तब तक करते गए जब तक उसमें भी शेषफल क्या ना आए, जीरो। तो यहाँ पे 258 से जब इसको किया, 258 एकम 258 कितना बचा, 86 बचा, 86 से जब किया तो शेषफल कितना आया, जीरो। तो 86 जो बना, इन तीनों नंबर का क्या बन गया, HCF।
अगर मैं इसको सोचता कि फैक्टराइजेशन मेथड से करूँ तो ध्यान से देखो फैक्टर बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर मैं सोचता कि सबसे छोटे नंबर को पकड़ के ये देखूँ किस किस टेबल में आता है उसे सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इतने बड़े जब भी नंबर होते हैं तो आपने फाइंड करने के लिए किस मेथड का यूज़ करना है दोस्तों, डिवीज़न मेथड का, ठीक है। और कोई एक और मेथड होता है एससीएफ फाइंड करने का, वो मैं बाद में करवाऊंगा जब मुझे एससीएफ एलसीएम के मिक्स क्वेश्चन करवाने होंगे, वहाँ पे मैं बताऊंगा कि ट्रिक होती है किस तरीके से आप उसको कर सकते हो, लेकिन वो हर केस में एप्लीकेबल नहीं होगी जब इतना बड़ा नंबर होगा जी, ठीक है। इसे समझ नोट कर लो ज़रा। फिर अगला एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, उसमें हमने घर पर खुद ट्राई करना है और जो उसका आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना। एक नंबर लिखो 248 एंड आपके पास 403, इन दोनों का आपने एचसीएफ फाइंड करके है ना कमेंट बॉक्स में लिखना है, इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करके कमेंट बॉक्स में लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ तक फटाफट नोट कर लो ज़रा। ओके, तो दोस्तों यहाँ तक जितना भी आप लोगों को मैंने करवाया है होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो एचसीएफ के जितने बेसिक करवाया बेसिक पे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता आज की डेट में, लेकिन आता है लेकिन मिक्स टाइप में आता है। जब तक बेसिक की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी क्वेश्चन कैसे करोगे, पहली चीज़। अब एचसीएफ का बेसिक करवाया है, अभी एचसीएफ की और भी चीज़ें हैं कि घातांकों का एचसीएफ निकालना है कैसे निकालेंगे, अगर भिन्न का एचसीएफ निकालना है कैसे निकालना है, उसी तरीके से एलसीएम में जाएंगे, एलसीएम में समझेंगे कि एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, घातांकों का कैसे निकालेंगे, भिन्न का कैसे निकालेंगे, दशमलव का कैसा निकालेंगे, वो सारी चीज़ें एक एक करके समझेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो, ठीक है, बेल आइकन प्रेस करो और इस वीडियो को मैक्सिमम उन बच्चों तक पहुंचाओ जिनका बेसिक बहुत ज़्यादा वीक है। इस बात की 101% गारंटी है बच्चों, जब मेरा अभी मुझे जज मत करना, मुझे जज करना जब आपका पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अभी एचसीएफ सिर्फ समझा होता क्या है, एचसीएफ सिर्फ ये चीज़ समझाई इस पूरे लेक्चर में, एचसीएफ होता है सबसे बड़ा नंबर, जितने भी दिए गए नंबर उन सभी को भाग करता है। एचसीएफ सबसे बड़े नंबर छोटे नंबर के बराबर होगा या फिर उससे छोटा होगा, उससे बड़ा कभी नहीं होगा, बस इतनी सी चीज़ समझिए, ठीक है। तो अगली वीडियो में आपका एलसीएम समझते हैं, एलसीएम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम इन वर्क में एलसीएम यूज़ होना है और जितने भी क्वेश्चन आप मैक्सिमम 90% चांसेस रहते हैं क्वेश्चन कहाँ से आए पेपर में, एलसीएम में से आए, और 10-15% चांसेस रहते हैं जो एचसीएफ एलसीएम मिक्स में से आए। एचसीएफ में से आने के जो चांसेस रहते हैं 4-5% है, लेकिन एलसीएम में से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगले वीडियो में उसी को समझेंगे बच्चों, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।